नमस्कार, आज हम देखेंगे हाउ टू यूज़ फिलिप्स साइट्रस जूसर। फिलिप्स का साइट्रस जूसर है मॉडल HR2774। इसके साथ एक मैनुअल आता है। ये मैनुअल HR2774 एंड HR2775 के लिए कॉमन है। ये इसका बेस है, इसके नीचे वायर आती है। ये वायर इधर से निकाल सकते हैं। वायर रखने के लिए बहुत अच्छा दिया है इन्होंने, ये साइड में रख देंगे। इसके साथ ये आता है जूस कंटेनर, इसमें करीबन 500 ml जूस बैठ सकता है। ये दोनों फिल्टर्स हैं, इसको इसके नीचे इसे बिठाना है। अब ये बैठ गया है। इसे कोन बोलते हैं, एक बड़ा कोन आता है, एक छोटा कोन आता है। छोटा लेमन, नींबू ऐसे चीज़ों के लिए है, और ये जो बड़ा है ये मौसम्बी, ऑरेंज ऐसे चीज़ों के लिए है। अभी इसको असेंबल कर लेंगे। इसके अंदर इसको फिट करना है और रोटेट करके इसको बिठाना है। ये बैठ गया, अच्छे से बैठ गए हैं। इसको इसके ऊपर रख देना है, इसके ऊपर फिट हो गया। अभी ये कोन लेना है, ये इसके अंदर अटैच करना है। इधर अटैच हो गया है, और इसके ऊपर ये जो इधर इसको ये स्पेस है, ये स्पेस इसमें अटैच करनी है। ये भी इधर अटैच हो गया है। जूसर अभी पूरा असेंबल हो गया है। आप इधर देख सकते हैं, इधर रीडिंग्स है, जिससे समझ आएगा कि ये जूस कंटेनर में जूस कितना हो गया है। ये जूस कंटेनर प्लग लगाने के बाद स्टार्ट नहीं होता है जब तक आप ऊपर से ऑरेंज या नींबू रख के प्रेस नहीं करते। इधर से प्रेस करना है, ऊपर से जब प्रेस करेंगे तब इसका जूस अपने आप ये फिल्टर में अंदर चला जाएगा और इधर कंटेनर में आपको दिख जाएगा। अगर ये जूसर आपको बार बार चलाना है, बहुत सारा जूस निकालना है, तो एक बार एक टाइम में इसको आप 8 से 10 मिनट तक ही चला सकते हैं। उसके बाद थोड़ा इसको रेस्ट दे, थोड़े मिनट के बाद 5-10 मिनट के बाद इसको आप वापस रिस्टार्ट कर सकते हैं, वापस नया जूस निकाल सकते हैं। एक बार जूसर यूज़ होने के बाद उसके सारे पार्ट्स वापस निकाल के उसके तुरंत ही पानी में धो लें, ताकि जो वो जूसर ड्राई हो जाता है वो धोने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसका जो बेस है, ये बेस को आप ना धोए, इसको थोड़े से गीले कपड़े से बस पोंछ लें, ताकि ये ख़राब ना हो जाए।